न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम हिडन सीक्रेट्स। हिडन सीक्रेट्स में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन कुछ सितारों के बारे में जिनको दूसरा जीवन दान मिला है। जी हाँ दोस्तों, जहां हम अक्सर ही देखते हैं कि आम आदमी के साथ कभी ना कभी कोई हादसा होता ही रहता है, लेकिन हमारी बॉलीवुड की वो फेमस हस्तियाँ भी कभी कभी हादसों का शिकार हो जाती हैं, और कभी कभी तो इनके साथ इतनी भयंकर घटनाएं हो जाती हैं कि बात आ जाती है उनकी जान पर। तो आज ऐसे ही हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ उन सितारों के बारे में जो फिल्मों के दौरान या फिर बिना फिल्में किए ही किसी ना किसी ऐसी घटना का शिकार हो चुकी हैं जो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो चुकी है। यहाँ हम बात करेंगे एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनको डिम्पल क्वीन भी कहा जाता है। प्रीति जिंटा, जिनकी क्यूटनेस पर आज भी लाखों लोग दीवाने हैं। एक बार जब विदेश में किसी कंसर्ट के दौरान वो शूटिंग कर रही थी, उस समय पर उनके आसपास ही ऐसा विस्फोट हुआ कि उनकी जान पर भी बात बनाई थी, और तब प्रीति जिंटा बाल बाल बची थी। वहीं दूसरी तरफ अब इस लिस्ट में नाम शामिल होता है बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोन का। जी हाँ दोस्तों, सनी लियोन, जिनको आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है। अपने पति के साथ जब प्लेन में जा रही थी, उस समय पर सनी लियोन का प्लेन क्रैश हो गया था, और तब उनके साथ भी ऐसा ही भयंकर हादसा होते होते बचा था। यानी सनी और प्रीति जिंटा को तो मिल चुका है दूसरा जीवन दान, लेकिन इन दोनों के अलावा भी आज हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में जो हो चुके हैं ऐसी ही किसी ना किसी घटना का शिकार। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, बॉलीवुड सितारे खुद की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं, किंतु फिर भी वे कभी कभी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ उन बॉलीवुड स्टार से जो हादसे के बाद भी अपनी जान बचाकर वापस आ गए। दरअसल अक्सर ही देखा जाता है कि आम आदमी के साथ उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता ही रहता है, लेकिन हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कई बार ऐसी ही घटना का शिकार हो जाती है। आज यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का नाम आता है। बता दें, प्रीति को दो बार जीवन दान मिला है। प्रीति जिंटा, जिनको बॉलीवुड की डिंपल क्वीन भी कहा जाता है, हमेशा ही उनकी स्माइल को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है, लेकिन उस समय पर हर किसी का दिल दहल गया था जब ये बात सामने आई कि प्रीति की जान बाल बाल बची है। पहली बार जब वह कोलंबो में एक शो में परफॉर्म कर रही थी तो अचानक वहां पर ब्लास्ट हो गया, तो दूसरी बार थाईलैंड में छुट्टियां मना रही थी और सुनामी के बीच में फंस गई थी प्रीति जिंटा। अब ये तो उनकी किस्मत ही है कि दो बार वो ऐसे भयानक हादसों का शिकार होते होते बच गई। हालांकि जब उनके बारे में ऐसी खबरें सामने आई तो उनकी सलामती के बारे में जानने के लिए उनके फैंस बेहद उत्सुक थे, और जब सामने आई ये बात कि प्रीति जिंटा ठीक हैं, तब हर किसी की जान में जान आई। अब दूसरी तरफ बात करेंगे बॉलीवुड की बेबी डॉल यानी सनी लियोन के बारे में। सनी लियोन, जिन्होंने भले ही अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की हो, लेकिन आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार है। बता दें दोस्तों, सनी लियोन और उनके पति एक प्लेन क्रैश में एक घटना का शिकार होते होते बचे। दरअसल अपने पति के साथ सनी प्लेन से सफर कर रही थी और उस समय पर उनका प्लेन क्रैश हो गया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सनी लियोन को दूसरी बार जीवन दान मिला है। जी हाँ दोस्तों, सनी लियोन जो आज भी एक के बाद एक फिल्में करती हैं, उस समय पर उनके फैंस उनके बारे में ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए थे, लेकिन जब उनकी सलामती की खबर सामने आई तब कहीं जाकर हर किसी को ये तसल्ली हुई कि सनी लियोन बिल्कुल ठीक है। अगर बात की जाए बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी के बारे में, बता दे दोस्तों, एक बार हेमा मालिनी के साथ ऐसा भयंकर हादसा हुआ था कि उनकी जान पर बात आ गई थी। दरअसल बता दे कि साल 2015 में भयंकर सड़क हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में हेमा मालिनी को दाहिनी आंख की तरफ बेहद गंभीर चोट भी आई थी। ये हादसा राजस्थान के दौसा में हुआ था। उस समय पर हेमा मालिनी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर
खूब वायरल हो रही थी, जिसमें उनकी एक आंख पर चोट लगी थी और वो खून से लथपथ थी। उनके बारे में उनके फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे थे कि ड्रीम गर्ल जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अगर एक नजर डाली जाए हाल ही पर, तो आज भी उनकी खूबसूरती वैसी ही बरकरार है। हालांकि चोट लगने से कहीं ना कहीं उनको असर जरूर हुआ, लेकिन आज भी वो उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं जितनी की वो हुआ करती थी। अब बता दें कि सैफ अली खान फिल्म क्या कहना है कि शूटिंग सेट पर तब घायल हो गए थे जब उनके सिर पर एक पत्थर आकर लगा था। दोस्तों, ये घटना सुनकर ही दिल दहल जाता है। उनके सिर में गहरी चोट लगने की वजह से सैफ अली खान को सौंठ टाके लगे थे। ये बात सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि सैफ अली खान जब फिल्म क्या कहना की शूटिंग कर रहे थे, तब वो ऐसे भयंकर हादसे का शिकार हुए थे। इस हादसे पर सैफ अली खान ने कहा भी था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था और इस दौरान उनके साथ कोई भी नहीं था। फिल्म डायरेक्टर भी बीमार होने की वजह से उनके पास नहीं थे। हालांकि जल्द ही उनका ट्रीटमेंट कराया गया और एक बार चोट लगने के बाद आज सैफ अली खान फिर से अपने वैसे ही अंदाज में सामने आते हैं। वहीं अगर अब बात की जाए साउथ एक्टर और बॉलीवुड में साइड रोल करने वाले एक्टर सोनू सूद भी एक बार भयंकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। सोनू सूद जो भले ही बॉलीवुड की कम फिल्मों में नजर आए हों, लेकिन साउथ के जाने माने एक्टर बन चुके हैं। सोनू सूद अपने फिट बॉडी से वो हमेशा ही लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों बता दें कि एक बार सड़क पर उनके साथ भी ऐसी घटना घट गई थी जिसके बारे में जानकर इंसान की रूह कांप जाए। दरअसल बता दें, इस दौरान वह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहे थे और तभी वो हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस समय उनकी कार में आग लग गई। ऐसे में सोनू ने तेजी दिखाई और वह कार से कूद गए। अब किसी इंसान की गाड़ी में अगर एकदम ही अचानक ही आग लग जाए तो वो हड़बड़ाहट में ना जाने क्या करे। लेकिन यहाँ सोनू सूद ने अपने दिमागी संतुलन को कायम रखा और तुरंत ही वो अपनी गाड़ी से कूद गए। इस खबर ने हर किसी का दिल दहला दिया था, लेकिन आज वो बिल्कुल सही सलामत है। अब अगर बात की जाए खूबसूरत एक्ट्रेस सेलिना जेटली के बारे में, वो भी साउथ की फिल्म श्रीमती की शूटिंग के दौरान ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। आज भले ही सेलिना को फिल्मों में ना देखा जाता हो, लेकिन आज भी उनकी बोल्डनेस कायम नजर आती है और वो भी एक ऐसे ही हादसे का शिकार हो चुकी हैं। अब अगर बात की जाए कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर की, तो वह भी हादसे का शिकार हो चुके हैं। दरअसल वह नवी मुंबई बेलापुर पनवेल हाईवे पर जा रहे थे, तभी उनकी कार एक कार से टकराई। लेकिन उनके फैंस की दुआएं उनके साथ थी और सुनील इस हादसे में बाल बाल बच गए। तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज के इस खास प्रोग्राम में यही कि आपके फेवरेट सितारे भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। वेल दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में हमारी बॉलीवुड की उन हस्तियों के बारे में जिनके साथ हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं जिसके लिए उन पर बन चुकी है जान की बात। यहाँ हम आपको बता चुके हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बारे में भी। हेमा मालिनी जिन्होंने अपनी खूबसूरत एक्टिंग और अपनी अदाकारा से हमेशा ही लोगों का दिल जीता है। बता दें दोस्तों, हेमा भी एक बार ऐसे ही हादसे का शिकार हो गई थी। जब लौटते समय, जब कहीं पर जा रही थी हेमा मालिनी और वहां से लौटते समय उनकी गाड़ी का ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उनके सिर पर, उनके माथे पर भी टांके लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सैफ अली खान के बारे में, किसी फिल्म की शूटिंग करते करते उनका सिर पत्थर से जा टकराया था। इतना ही नहीं, उस चोट के बाद सैफ अली खान को सिर में सौंठ टांके लगे थे। इस बारे में सैफ अली खान का कहना था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे भयंकर हादसा था जिस दौरान उनके साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि फिल्म डायरेक्टर भी उस समय पर उनके साथ नहीं थे। तो दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज के बारे में
जिनके साथ हो चुके हैं ऐसे हादसे और जिनको मिल चुका है दूसरा जीवनदान। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।